एक बार आप ये मिक्स वेज पराठा बनाकर जरूर देखिए, यकीन मानिए आपके सभी घर वालों को बहुत पसंद आएंगे और आपके बच्चों को लंच बॉक्स के लिए एक हेल्दी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए चलते हैं। यहाँ मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 कप बेसन और नहीं सॉरी 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच यहाँ मैंने सूजी ली है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमें नमक ऐड करना है जो भी हमें स्टफिंग इसमें भरेंगे। इसके बाद यहाँ मैंने 2 चम्मच यहाँ 1 चम्मच घी लिया है, तो आप इसमें घी का ही प्रयोग करिएगा, उससे ये पराठे बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी बनेंगे। इसके बाद यहाँ मैंने थोड़ा सा मतलब बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है और पहले सभी 4 चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसका एक सॉफ्ट डो बना लगा के रेडी कर लेंगे। डो को हमको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट गूंथ लेंगे आटे को तो जब हम स्टफिंग इसमें भरेंगे फिल करेंगे तो हमारे पराठे फटने लगेंगे, इसलिए डो को बहुत ज़्यादा नरम मतलब बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है और हाथों की उंगलियों से इसको ऐसे थोड़ा सा इसको गूंथ लेना है ताकि जो हमारा आटा हो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, जो हमारे पराठे हो वो बिल्कुल भी सॉफ्ट बने और हेल्दी बने। यकीन मानिए आप एक बार इस रेसिपी को जरूर पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपके घर में जिसके लिए भी बनाएंगे उसको जरूर पसंद आएगी। ये देखिए जो हमारा आटा है वो लग के रेडी हो गया है। आप आटे की क्वांटिटी भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको ढक के हम साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने एक पैन में 1 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद यहाँ मैंने आधी चम्मच जीरा और 1 टुकड़े अदरक का ग्रेट करके मैंने यहाँ डाला है। इसको भी डालने के बाद यहाँ मैंने 1 हरी मिर्च ली है, इसको डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से तीखे के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपके बच्चों को जितना तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद इनको 4 से 5 सेकंड तक भूनने के बाद यहाँ मैंने 1 प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक। इसको भी हम इसी में डाल देंगे। प्याज को हमको बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इतना करना है कि प्याज अच्छे से कुक हो जाए और जो प्याज का कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए। बस इतने देर तक ही हमको प्याज को पकाना है, मुश्किल से आपको 1 से 1.5 मिनट तक ही प्याज को पकाना है, उसमें आपकी प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं होगी और अच्छे से कुक भी हो जाएगी। अब यहाँ प्याज हमारी जो है वो अच्छे से कुक हो गई है। यहाँ मैंने आधी शिमला मिर्च को ऐसे बारीक काट लिया है और आधी गाजर को, आप गाजर को ग्रेट भी करके इसमें डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इनको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि जो हमारी गाजर और शिमला मिर्च है वो भी अच्छे से कुक हो जाए, अच्छे से अपना फ्लेवर मतलब छोड़ दे और सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट ही आपको लगेंगे बस इसको कुक करने में। ये देखिए जो हमारे 2 से 3 मिनट है ये हमारे अच्छे से हो गए हैं और जो हमारे गाजर और शिमला मिर्च है वो भी अच्छे से कुक हो गई है। इसके बाद यहाँ मैंने 2 आलू लिए हैं, तो आलू को अच्छे से बॉईल कर लिया है। इसके बाद इनको ठंडा करके छील लिया है। इसके बाद इसमें डाल देंगे आलू को। आलू को आप ग्रेट भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम इनको आलू को अपने पैन में ही अच्छे से मैश कर देंगे, तो इसलिए मैंने ग्रेट नहीं किया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधी चम्मच धनिया पाउडर सॉरी हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और चाट मसाला। बस हमको इसी चीज़ें बस इतनी ही चीज़ें डालनी है और इसमें ना गरम मसाला डालना है ना जीरा पाउडर डालना है और कुछ भी इसमें नहीं ऐड करना है। इससे ही आप एक बार इस पराठे को जरूर खाइएगा बना के, बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी पराठे आपके बन के रेडी होंगे। बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी होंगे, सारी सब्जियां हैं और भी हम आके इसमें बहुत ही हेल्दी चीज़ ऐड करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप चलेगा। इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद सारे मसाले को और सारी स्टफिंग को अच्छे से भूनने के बाद इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया फ्लेवर के लिए ऐड कर देंगे और ये देखिए जो हमारी स्टफिंग है बनके रेडी हो गई है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए। यहाँ स्टफिंग ठंडी हो गई है, इसमें यहाँ मैंने 50 ग्राम पनीर लिया है, तो पनीर को आप चाहे तो ग्रेट कर सकते हैं और या चाहे तो ऐसे हाथों से मैश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पनीर को अच्छे से हाथों से मैश कर लिया है और ये मैश करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से मैश हो जाएगी। और इसमें पनीर ऐड कर देंगे, ठंडा हो जाने के बाद ही जब थोड़ी सी स्टफिंग ठंडी हो जाए तभी आप पनीर को ऐड करिएगा। और इसके बाद इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो हमारा आटा
आटा है, इसको भी हम एक बार अच्छे से मसल लेंगे। तो ये देखिए जो हमारा आसा आटा है, तो मसलने के बाद बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है। इसके बाद यहाँ मैंने एक लोई ले ली है, तो लोई आपको बहुत छोटी और बहुत बड़ी नहीं लेनी है, थोड़ा मीडियम साइज की लेनी है, क्योंकि रोटी हमको बड़ी बेलनी है। और इसको आटे से, सूखे आटे से या तो मैदे से आप इसको कोट कर लीजिए, जिससे भी है, लेकिन हेल्दी बना रहे हैं तो आटे का ही प्रयोग करिएगा। इसको पराठे को, मतलब सॉरी रोटी को अच्छे से बेल लेंगे और बड़ी बेलेंगे, ताकि कोई भी भरने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। एक बार इस रेसिपी को आप जरूर फ्रेंड बना कर देखिएगा, आपको सच में बता रही हूँ बहुत पसंद आएगी। आप किसी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ, ये तो ऐसे ही आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो हमारी स्टफिंग है, इसको अच्छे से बीच सेंटर में रख के और इसको ऐसे चौकोर साइड में अच्छे से फैला देंगे, ताकि जो हमारे, अगर आप इसमें इस पराठे को इस तरह से नहीं बना सकते, बना पा रहे, तो आप इसको भर हुए तरीके से, जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं, उस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे ही आपको आसानी लगे, आप इसको उस तरह के बना सकते हैं। इसके बाद एक पार्ट उठा के इसको अच्छे से कवर कर देंगे, और उसी के ऊपर थोड़ा सा हम पानी किसी ब्रश से अच्छे से लगा देंगे, ताकि जो हम इसमें दूसरा पार्ट, मतलब रोटी का चिपका है, तो अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद इधर भी लगा देंगे थोड़ा सा पानी, और उधर भी लगा देंगे, मतलब चारों कोनों में अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी अच्छे से ब्रश से लगा देंगे। और इसके बाद इसको अच्छे से सील कर देंगे, पैक कर देंगे बिल्कुल पार्सल की तरह। और इसके बाद इसको हम अच्छे से कोट कर लेंगे सूखे आटे से, और इसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसको बेल लेंगे, चारों तरफ से बिल्कुल बेलेंगे, और इसको घुमाते घुमाते ही बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट हैंड से नहीं बेलेंगे, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हैंड से बेलेंगे, और बहुत ही आसानी से बेल के रेडी हो जाएंगे। और ये अगर आपकी स्टफिंग थोड़ी सी दिखने भी लगे, तो आप इसमें परेशान मत होइएगा, क्योंकि इनको ऑलरेडी हमको तवे में सेकना ही है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देखिए जो हमारा पराठा है, हेल्दी मिक्स वेज पराठा, इनको पनीर पराठा, मिक्स वेज पराठा, मिक्स वेज पनीर पराठा, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। इसके बाद इसको बना के रेडी कर लेंगे। और यहाँ मैंने तवा एक ले लिया है, आप इसको लोहे की तवे में बना सकते हैं। तवे को पहले अच्छे से ग्रीस कर देंगे, इसके बाद इसको मैं डाल देंगे और इसको पलट देंगे 2 से 3 मिनट तक, पहले पकने देंगे। जब 2 से 3 मिनट तक नीचे से अच्छे से पक जाएगा, तब इसको पलट के इसमें ऑयल, मेटल, बटर, घी, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं जो भी आपके पास हो। इसको दूसरी तरफ से 1 से 1.5 मिनट तक पकने देंगे। इसके बाद इसको दूसरी साइड पलट के और इसको दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे, और इसको लो टू मीडियम फ्लेम में ही पकाइएगा। उससे ये पराठा बहुत ही मतलब कुरकुरा और बहुत ही सॉफ्ट बन के आपका पराठा रेडी होगा। इसी तरह हम अपने दोनों, मतलब ये देखिए जो हमारा पराठा है, इसको अलटते पलटते इसी तरह से हम सेक लेंगे। इसी तरह से मैं आपको यहाँ दूसरा पराठा भी बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए जो दूसरा पराठा है, इसको भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। एक तरफ से पहले अच्छे से पकने देंगे, जब आपको लगे कि नीचे से अच्छे से पक गया है, इसको पलट देंगे। और पलटने के बाद इसमें ऑयल, घी, बटर, जो भी आप लगाना चाह रहे हो, वो आप इसमें अच्छे से अप्लाई कर दीजिए ब्रश की सहायता से। इसको दूसरी साइड भी पलट देंगे, और दूसरी साइड भी इसको इसी तरह से जो भी आप लगा रहे हो वो लगा दीजिए, और इसको दोनों तरफ से 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से अलटते पलटते हुए पका लीजिए। यकीन मानिए आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बहुत हेल्दी रेसिपी है। इसी तरह हम अपने सारे पराठे बना लेंगे, और इसको किसी भी, जब सर्व करें तो किसी भी चटनी के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फ्रेंड्स। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।